you have to live through the bad days to get to the new one. हम लोगों का जो टीम मेंबर संदीप भट्टाचार्य जी, उनका तबीयत, गला पूरा खराब है, थोड़ा फीवर है, थोड़ा तकलीफ में है वो अभी. हम लोग प्रे कर रहे हैं, प्लीज़ गेट वेल सून सून. आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिए कि मेरा हस्बैंड जल्दी से, गला उसका ठीक हो जाए, वो फिर से नए मूड लेके, नए चार्म लेके वीडियो शूट करने में कामयाब हो सके. पर ये बैड डेज कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों का नई वीडियो आ जाएगा. उस टाइम हम लोग थोड़ा कुकिंग वीडियो एंजॉय कर लेते हैं और उसको थोड़ा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेते हैं. चलिए आइए देख लेते हैं कैसे चल रहे हैं कायरा या जानती का कुकिंग. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं. चिली चिकन सो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है रेसिपी. ये है इंग्रेडिएंट्स, देख लीजिए, चॉप गार्लिक एंड जिंजर है इसमें, और ये मैरिनेशन चिकन है. इसमें मैंने मैदा डाला है, थोड़ा सा जो ब्लैक पेपर वो डाला है, चिकन भी है उसमें, सोया सॉस, चिली सॉस एंड टोमेटो सॉस भी मैंने डाला है, और नमक तो है ही, और कॉर्नफ्लावर भी है इसमें है. थोड़ा सा चॉप कर दिया गया कैप्सिकम एंड अनियन, देख सकते हो आप लोग. ये तो सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस है, ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर है इसमें जो पैक. हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोगों का जो कढ़ाई है वो गैस के ऊपर चढ़ गया है. मस्टर्ड ऑयल. ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पकोड़ा फ्राई हो रहा है कढ़ाई में. ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है. फ्रेंड्स, ये देखिए पकोड़ा प्रिपेयर हो चुका है. अब ये तेल में जा रहे हैं गिंगर और गार्लिक. इसको हल्का सा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम लोग. ये फ्राई हो चुका है, ज्यादा फ्राई. इसके बाद ये जा रहे हैं कैप्सिकम, मिर्ची और ऑनियन. ये भी थोड़ा तेल में फ्राई होगा. आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो टीम मेंबर शुभश्री मुखर्जी, इसका एक्चुअल नेम आप लोग शायद नहीं जानते हो. आप लोग इसको कायरा के नाम से देखा होगा उसका लेटेस्ट वीडियो में, या फिर उसको उसका पहले वीडियो जो जानवी था उसके में भी आप लोग देखा होगा. देखिए कैसे फ्राई हो रहे हैं. ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कैसे फ्राई हो रहा है ये कैप्सिकम और ऑनियन. थोड़ा रेड रेड कलर हो जाएगा, फिर उसके बाद नया इंग्रेडिएंट डालूंगी. इसको जब फ्राई करेंगे तब अगर थोड़ा जीरा डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है ना वो फ्राई करने के टाइम बहुत अच्छा होता है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैप्सिकम और ऑनियन है ना वो रेड रेड हो चुका है, और नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे. ये है हमारा चिकन पकोड़ा. इसको आराम से हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे एंड उसके बाद देंगे थोड़ा चिली सॉस, सोया सॉस एंड टोमेटो सॉस. हाँ, और थोड़ा चिकन मसाला या आप लोग देना चाहते हैं तो, और ये ऑप्शनल है, और आप नमक थोड़ा आप लोग के हिसाब से देना. ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे. ये आप लोग अपने अंदाज से देना. मैंने दे दिया नमक, और इसके बाद हम लोग देंगे टोमेटो सॉस. चिली सॉस,
उसके बाद हम देंगे सोया सॉस थोड़ा सा, ये बहुत ही कम देना होगा। हमारा जो चिली चिकन है ना वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। ये हम रोटी के साथ खाएंगे नाइट में। आप लोग इसको थोड़ा फ्राइड राइस या मिक्स फ्राइड राइस या पुलाव या इसके साथ भी, मतलब ये पराठा, कुछ लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग का जो चिली चिकन है वो प्रिपेयर हो ही चुका है ऑलमोस्ट। ये हम लोग थोड़ा ग्रेवी इसको बड़ा दिया है, आप लोग चाहे तो ग्रेवी कम भी कर सकते हैं और थोड़ा बड़ा भी सकते हैं, ये आप लोगों का मर्जी है। जो एक्चुअली हम लोग रोटी के साथ खाने वाले हैं तो ग्रेवी अगर थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा तो रोटी के साथ मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो आप लोग अगर राइस के साथ खाना चाहते हैं तो ग्रेवी थोड़ा कम हो से भी चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब देख ही लिया है कैसे हो रहा है कुकिंग, और कंप्लीट भी हो चुका है, अब सर्व होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा कुकिंग करिए, पूजा एंजॉय करिए, हम लोग का वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगला वीडियो नेक्स्ट संडे रिलीज होगा, तो प्लीज़ वेट, वॉच, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, तेरा दिल नहीं लगदा, तू ही